वहीं आजू बाजू में सब छोटे छोटे लौंडे शिलाजीत बेच रहे थे। हमने एक को धर लिया, इधर आओ, क्या है ये? कहता है, सर ये वो चीज़ है जो खा लिया तो घोड़ा बन जाओगे, घोड़ा। अपने देश में घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी जगह है, मरुस्थल है, समुद्र है, पहाड़ी इलाके हैं, हमें इस पर गर्व करना चाहिए। ये बात दारू पीने के बाद मेरा दोस्त कुलदीप बोल रहा था। बहुत दिनों के बाद हम दिल्ली में मिले थे तो भाई साहब पी के शुरू हो गए थे। नहीं यार, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। अरविंद तुम ना, तुमको दारू पीने का अगर लिहाज नहीं है ना तो तुम आया मत करो यार, सारा चखना तुम खा जाते हो यार। ग्लास हटाओ यार, पानी भी गिरा दिए। इनक्रेडिबल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तुम लोग जो है ना यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो हम कितने महान देश में रह रहे। तुम लोग, तुम मनाली चलो यार, खाली तुम मनाली चलो यहाँ से, इतना ऑसम प्लेस, तुम महसूस करोगे कहाँ लेके आया हो तुम। चलो यार, मैं जिंदगी में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है यार, यही सब छोड़ के जाना है। मैंने पूछा, क्या भाई? दो बच्चे और बीवी, सब छोड़ के जाना है। मनाली चलो यार, तुम एक बार मनाली चलो, मैं बताता हूँ जिंदगी में इनक्रेडिबल इंडिया। यार समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा था, लेकिन हमने भी पैक मार रखी थी तो हमें ये एहसास हुआ कि मनाली में कुछ है। लेकिन हम उसी दिन नहीं गए, क्योंकि हम सब शादीशुदा लोग हैं और शादीशुदा लोग बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर काम को करते हैं, वरना जिम्मेदारी फिर सवार हो जाती है। तो हम निकले अगले सुबह। अब सुबह हम निकले बाई कार, पूरा दिल्ली वाला स्वैग। अब दिल्ली का स्वैग तो आप जानते ही, ऐसा लग रहा था कार के अंदर करोल बाग, पालिका, सरोजनी, सारे मार्केट के थीम के कपड़े एक साथ आ गए हैं, पूरा बाजार इकट्ठा हुआ पड़ा, जैकेट, चश्मा, लेदर, जूते, परफ्यूम तक, और पंजाबी गाने भी बज रहे हैं। सब अपने को गबरू समझ रहे हैं, सब समझ ही नहीं रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, ओ वीरे मनाली चलेंगे यार, ओ वीरे मनाली में छक के वाइन पियेंगे, वीरे वीरे। कोई एक दूसरे को भैया जी बोल ही नहीं रहा, जबकि सब हैं यूपी बिहार से। ये यूपी बिहार वालों का स्वैग है भाई, जिस कल्चर को प्यार करते हैं और फिर उसको अपना भी लेते हैं। तो फिर हम लोग निकले, अभी एक दो घंटे की जर्नी हुई थी, हम सोनीपत के आसपास पहुंचे थे, मैं ही ड्राइव कर रहा था, एकदम से फटाक से आवाज आती है। मुझे लगा टायर फटा क्या, पर नहीं, किसी ने यह बता दिया था कि अभी एक घंटे पहले उसने नाश्ते में क्या खाया, छोले कुलचे मूली प्याज था क्या, पता ही नहीं पड़ रहा था। मतलब आलम यह था कि मैंने एसी को फुल करके खिड़की के शीशे नीचे कर दिए थे, उसके बावजूद आगे पीछे की गाड़ियां दाएं बाएं हो गई थी। बगल से जो गाड़ियां गुजर रही थी उसका ड्राइवर हमारी ओर देख के बोल रहा है कि भाई चला तो तू इनोवा रहा है, पर महक उसमें से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी की आ रही है। मैंने गाड़ी ढाबे पे लगा दिया, चारों दरवाजे खोल दिए, बोनेट खोल दिया, खुद जाके खटिया पे लेट गया कि भाई मेरे को भी सांस आए, थोड़ी गाड़ी को भी सांस आए। चारों दोस्त आ गए मेरे पास कि भाई क्या हुआ, क्या 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 हो गया। मैंने, भाई ऐसे तो नहीं जा रहा मैं कुल्लू मनाली, ठीक है जिंदगी में कुछ नहीं है, वो सही है बात तेरी, लेकिन ऐसे नहीं जा पाएंगे। गाने तू हनी सिंह का बजा रहा है, हरकतें तेरी पवन सिंह वाली है। और जो लोग वहां पहले से पहुंचे हुए हैं, ऐसे तुम लोग पहुंच के उन्हें भी भगा दोगे, ऐसे नहीं जा पाएंगे। राजीव अब थोड़ा बीच में मैनेज कर रहा है। अरे यार एक्चुअली क्या हुआ था ना, कल डाइजेस्ट हुआ नहीं था खाना, सुबह में भी अब लंबी जर्नी थी तो नाश्ता कर लिया था, वही गाड़ी में थोड़ा। हमने, थोड़ा अभी तब हार्ट अटैक आ जाता है लोगों का, मौत हो जाती है लोगों की। मतलब गाड़ी अभी नहीं हिलेगी, मनाली कहीं नहीं जा रहा, वहीं पे है, तू जो लेके जा रहा है वो पहले निकाल के आ। सब गए फ्रेश होने। इतने में अरविंद ने एफबी पे पोस्ट डाल दिया कि चिलिंग विथ फ्रेंड्स गोइंग टू मनाली, और पीछे सुलभ शौचालय की तस्वीर, बैकग्राउंड में सुलभ शौचालय दिख रहा है। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही हंस रहा है कि बीवी जेलस होगी मनाली को।
उसके दिमाग में ही नहीं आ रहा कि बीवी जेलस नहीं होगी और खुंदस होगी। सुबह सुबह इसने शौचालय को बता दिया है मनाली, यानी कि इसने सुबह सुबह पी लिया है। और जिस चीज की देखो उस चीज की तस्वीर ले रहा है, पेड़ों की ले रहा है, पहाड़ों की ले रहा है, बकरी दिख गई, गाय दिख गई, किलोमीटर का बोर्ड दिख रहा है, सबकी फोटो, गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है, स्पीडोमीटर, सबकी फोटो निकाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 256 जीबी का मेमोरी कार्ड लगा रहा है। हर मोमेंट कैच होना चाहिए। रीयूनियन हुआ है ना भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए। खैर हम मनाली की ओर निकले। अब जैसे मनाली शुरू हुआ, पूरा पहाड़ी रास्ते, घुमावदार रास्ते, और कुलदीप को था मोशन सिकनेस। वो शुरू, मैं गाड़ी राइट घुमाऊं वो दाएं राइट में उल्टी करे, मैं गाड़ी बाएं घुमाऊं वो बाएं में उल्टी करे। दो पॉलिथीन भर दिया उसने। तो कोई खट्टी मिट्टी गोलियां काम नहीं कर रही, सारी खट्टी मिट्टी गोलियां खा गया। आज भी उससे पूछो कि भैया दिल्ली से मनाली कितनी दूर है, किलोमीटर में नहीं बताता, वो बोलता है दो पॉलिथीन। खैर हमने बाद में उसको पान पराग खिलाया, तब जाके मामला संभला। पान पराग चबाते चबाते वो पहुंचा है मनाली। हम रात को करीबन 11-12 बजे पहुंच गए थे। अब पहुंचते कड़ाके की ठंड, एहसास हो रहा था कोई लगभग माइनस डिग्री का टेम्परेचर रहा होगा। सब भाग के अपने अपने रूम में, इतना ठंड बर्दाश्त करने की आदत नहीं। होटल वाला खाना लेके बाहर नौक कर रहा है, खाने के लिए भी बाहर नहीं निकल रहे। रात बीती, आराम किया, रेस्ट किया हमने। अगले दिन मैंने घूमने फिरने का प्लान बनाया था, तो सब नाश्ते के टेबल पे आए। अब हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुलदीप पहले से धूप में उल्टा लेटा हुआ सन बाथ ले रहा है। मैं क्या बोला, भाई तू बड़ा जल्दी तैयार हो गया, क्या बात है? कहता कोई बात नहीं भाई, हादसा हुआ है, हादसा। क्या हुआ, कुछ हो गया? बोले हाँ भाई, मैंने नहाने के लिए गीजर चलाया था पर धोने के लिए चलाना भूल गया था। और पहाड़ी ठंडे पानी से मैंने धो लिया है, ऐसा लग रहा है अंदर सरिया है, वही सरिया गला रहा हूँ, उल्टा धूप में लेट के सुखा रहा हूँ। आप लोग हंस रहे हो, इतने ठंडे पानी से कभी आप लोग ट्राई करना, रूह तक धुल जाएगी। मनाली हमने घूमना शुरू किया, बहुत अच्छी जगह है। और माल रोड, रोहतांग दर्रा, सलांग वैली, और एक मणिकर्णिका मंदिर भी है वहाँ पे, वहाँ पे बहुत बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह। हिडिम्बा मंदिर, वहाँ हिडिम्बा मंदिर पे कुलदीप फिर से इमोशनल हो गया। हिडिम्बा देवी, भीम की पत्नी, महाभारत, हस्तिनापुर, द्वारिकाधीश, कृष्ण भगवान, यार देवों की नगरी में हम रहते हैं यार, इनक्रेडिबल इंडिया यार। इन कहाँ चले गए भाई तुम लोग? हम निकल गए थे, हम चले गए थे नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क में वहाँ 100-200 रुपये दे के आप वहाँ के पारंपरिक ड्रेस पहन के फोटो खिंचा सकते हो, और साथ में अगर खरगोश गोद में लेके फोटो खिंचवाते हो तो 50-60 रुपये उसका अलग से लेते हैं। ये सब हमारा सिलसिला चल रहा था। वहीं आजू बाजू में सब छोटे छोटे लौंडे शिलाजीत बेच रहे थे। हमने एक को धर लिया, इधर आओ, क्या है ये? कहता है सर ये वो चीज़ है जो खा लिया तो घोड़ा बन जाओगे, घोड़ा, और फिर मैदान में तुबड़क तुबड़क भागोगे। अरविंद को समझ में नहीं आया, कहता है कहाँ भागोगे? कहता है मैदान में। बोला क्यों? सर भागना होता है, सबको भागना होता है, आप भी भागो। बोले तू रहने दे भाई, ये अंग्रेजी दवा खाता है, इसे आयुर्वेदिक का नहीं पता। और 50-100 रुपये में शिलाजीत बेच रहे असली बोल के। तब टूरिस्ट है तो मतलब हर जगह टूरिस्ट प्लेस का ये है कि टूरिस्टों को तो कुछ भी तमा दो। तो ये सब चल रहा था। इतने में कुलदीप को किसी ने बता दिया कि भैया नेशनल पार्क में मोहब्बतें, क्रिश, इन सब फिल्मों की शूटिंग हुई है। अब वो तो एकदम दीवाना हो गया। अच्छा यही पेड़ था जिससे क्रिश में वो प्रियंका चोपड़ा को लेकर गिरता है? अरे यार, अरे हाँ हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ यार, ये तो वही पेड़ लग रहा है। अरे यार, चारों ओर घूम रहा, अरे यार, अरे मोहब्बतें का पत्ता हम तो हमें से चुरा लो, दो चार पत्ता हम भी चुरा लें।
ऐसा लग रहा था इतना खुश हो गया जैसे उसके आंखों के सामने फिल्म की शूटिंग चल रही। पर कहते हैं ना कि जो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो उस समझ लो कि थोड़ी देर में रोने वाला है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी का फोन आ जाता है, चारों हम बैठ के उसको बातचीत देख रहे हैं, वो फोन पे लगा हुआ है। हाँ हेलो, अरे सुनो तो, हो गया तुम्हारा? अब मैं बोलूं? जब बात ही नहीं कर रहा है तो तुम, हम नहीं बोल, मजाक कर रहा हूं मैं, मजा नहीं करूं, मर जाऊं? तुम मरो, क्यों मैं क्यों मरूं? नहीं नहीं नहीं, सो तुम ठीक है, जो समझ में आ रहा जा करो। इधर दूर से अरविंद भाई, लगता है ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा। राजीव, नहीं भाई, मनाली आए तो कुल्लू तक तो घूमेंगे, हाँ अगर मेरी बीबी का कॉल नहीं आया तो। मैंने पूछा कुलदीप से, क्या हुआ भाई, परेशान दिख रहा है, कुछ भाभी ने बोला क्या? लेकिन हाँ यार, वो भाभी को तेरे बता के आना भूल गया था तो इसलिए वो भड़क रही थी। तुम लोगों ने बोला क्या, बताया क्या? हाँ हमने तो बता दिया था। अच्छा, कल रात को भी बता दिया था, आज सुबह भी बता के निकले थे। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल हरामी दोस्त, बता तो देते हमें भी, हम भी बता देते, हमें लगा ये छुपा के ट्रिप करना है। बोले छुपा के, अरविंद तो पोस्ट किया जा रहा है एफबी पे, सुलभ शौचालय मनाली डाल दिया उसने।